टेनिस स्टार्ट हुआ जयसिर से, जो कि नॉर्थ का एक अपना बहुत ही बड़ा क्लब था और पॉपुलर था, और मेरे को खेलने का मौका मिला। मैं लकली पंजाब से हूँ और एक बहुत बड़े क्लब में खेला। उधर मैं 6 ईयर खेला, एज ए कैप्टन रहा, और उसके बाद मैंने ज्वाइन किया सलगांव का 2010 में, और जहाँ पे मैंने आई लीग, फेडरेशन कप, ड्यूरेंट कप, और उसके बाद ही उसी सलगांवकर में मेरे को इंडिया टीम के खेलने का मौका मिला, और नेहरू कप, साफ कप खेलने का मौका मिला, और वो भी जीता। और ये सब अचीवमेंट मेरी एक प्लेयर के लिए इंडिया में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और जब मेरा डेब्यू हुआ इन 2010-11 में, जब हम वर्ल्ड कप क्वालिफाई खेल रहे थे, तो दुबई में था हमारा मैच, अवे मैच था, और उसमें सुब्रतोपाल को रेड कार्ड हुआ और मेरे को मौका मिला। और एक किसी प्लेयर के लिए अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना और अपनी नेशनल टीम का जर्सी पहनना बहुत बड़ी बात है, और वो मेरे लिए बहुत बड़ा ड्रीम था जो उस टाइम मेरे लिए मेरा ट्रू हुआ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया कि लास्ट ईयर मैं मिस किया, और मेरा बहुत मन था जब आप देखते थे कि फुल स्टेडियम में इतने टॉप वर्ल्ड के प्लेयर जैसे डेविड जेम्स, अलानो, उनके साथ आपको खेलने का मौका मिल रहा है, डेल पेरो के साथ आपको खेलने का, उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने का मौका मिल रहा है, तो वो सब कुछ सब टाइम मैंने मिस किया, और मैं चाहता हूँ मैं इस साल वो पूरा करूँगा। अगर आप एक, हमारा इंडिया का फुटबॉल अभी इतना वो नहीं है पॉपुलर कि हम लोग पूरी कंट्री किसी को मालूम है, अगर हम लोग अनिलका, अलानो, उन लोगों के साथ खेलते हैं तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, जो आपकी टीम के मेंबर हैं, आपको ड्रेसिंग रूम शेयर करने के लिए मिल रहा है, आपको उनके साथ ट्रेनिंग करने को मिल रहा है, वो आपको मोटिवेट करते हैं एवरी डे, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। और जब हम लोग खेलेंगे तो अच्छा है कि हम एक बहुत टॉप क्लब जो वर्ल्ड कप खेले हैं उन प्लेयरों के साथ आपको खेलने को मिलता है, तो आपके लिए बहुत बड़ी बात है वो।